एमपी के कूनो में अफ्रीका से लाए गए चीतों को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों से खतरा हो सकता है। मामले को लेकर वन्य जीवों के जानकारों का कहना है कि रणथंभौर के बाघों का मूवमेंट कूना पालपुर दतिया तक होता है। वहां पहले से रणथंभौर के कुछ बाघ मौजूद भी हैं। ऐसे में बाघ और चीतों का आमना सामना होता है तो रणथंभौर के बाघ चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल हाल ही में कूनो पालपुर में एक बड़े इनक्लोजर में अफ्रीका के 8 चीतों को छोड़ा गया है। यहाँ यह चीते वन्य जीव विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे, लेकिन इन चीतों के इनक्लोजर से आजादी के बाद सुरक्षा को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ चिंतित है। आशंका जताई जा रही है कि इन मेहमान चीतों के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ काल बन सकते हैं। इसकी मुख्य वजह रणथंभौर के बाघों का अक्सर कूनो नेशनल पार्क में आना जाना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि श्योपुर कूनो पालपुर नेशनल पार्क का जंगल एमपी के शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले से सटा हुआ है। यह जंगल राजस्थान के ही मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क तक कॉरिडोर बनाता है। ऐसे में यहां से कूनो में टाइगर की एंट्री होती रहती है, जिससे चीतों पर हमले की आशंका जताई जा रही है।